हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा चैनल लूसिफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक जो बातें हैं मीन्स फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, इम्पल्स, वो सब लेके थोड़ा डिस्कस किया है। तो आज हम लोग थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे और वो सब का कुछ छोटा छोटा डेरिवेशन होता है वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत मजा आएगा क्योंकि आज का लेक्चर पूरा पूरी प्रैक्टिकल के ऊपर ही बना है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ये बहुत रिलेटेड है। तो ज्यादा बात नहीं करते, चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर। और शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा हर वीडियोस तुम लोगों तक जल्दी पहुंच सके। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, ये भी मेरा मतलब कॉलिंग नंबर है, चाहो तो फेसबुक में भी बोल सकते हो और नहीं तो जहां पर वीडियो देखते हो मतलब यूट्यूब के लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3। जबरदस्त लेक्चर है, बहुत मजा आएगा क्योंकि पूरा पूरी प्रैक्टिकल बेस है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है ये। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 में भी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ व्हिच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यूज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कहां पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, यूज होता है भी या नहीं, ऐसे न्यूटन ने लॉ बना के फेंक दिया, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लो पहले जो है बुक किप्ड ऑन ए टेबल, वन नंबर बुक किप्ड ऑन ए टेबल, मान लो टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ये मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो यहां पर कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क जैसे हाउ या वाई ऐसा कुछ लेने से भी होगा, बुक किप्ड ऑन अ टेबल, तो यहाँ पर कैसे थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। मान लो बुक का मास है एम, तो इसका वेट क्या होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होगा इसका वेट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, जो थर्ड लॉ मैंने यहाँ पर लिखा हूं, तो थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये होता है हम लोगों का न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यहां पर कैसे दिखाना है हम लोगों को, एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट होता है और इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो बुक का अगर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा हो तो उसका रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, आर फॉर, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर आर इक्वल टू एम जी होता है, आर इक्वल टू एम जी होता है, मतलब रिएक्शन जो है वो वेट के समान होता है। अगर आर इक्वल टू एम जी नहीं होता, मतलब मान लो कि आर एम जी से छोटा है या एम जी से बड़ा है, ऊपर का जो फोर्स है हम लोगों ने उसको डिनोट कैसे किया आर से, और नीचे का जो फोर्स है वो हम लोगों ने कैसे डिनोट किया W से। अगर मान लो कि R ग्रेटर देन mg होता
तब क्या होता, दैट मीन्स आर ग्रेटर देन एम जी होने से, जो आर मतलब ऊपर का फोर्स है वो ज्यादा होने से जो बुक है वो ऊपर की तरफ चला जाना था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाना था। मान लो बुक यहाँ पर तुम रखे हो, बुक धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ये इम्पोसिबल है। और अगर हम लोगों ने मतलब डब्ल्यू अगर ज्यादा होता कि जो डब्ल्यू ग्रेटर देन एम जी होता, जो जिसका वेट है उसके सॉरी डब्ल्यू ग्रेटर देन आर होता, उसका नॉर्मल रिएक्शन से डब्ल्यू ज्यादा होता तो क्या होता, जो बुक है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, ऐसा एग्जांपल क्या तुम लोग दे सकते हो, बिल्कुल इजी है। जैसे कि मान लो कोई भी यहाँ पर कोई स्पॉन्ज या कुछ हल्के वाला चीज रख के यहाँ पर थोड़ा भारी चीज रख दो तो क्या होगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो एमजी से कम होगा, इसलिए स्पॉन्ज के ऊपर धीरे 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 जो वेट है वो धीरे धीरे दबने लगता है, मतलब वो नीचे की तरफ थोड़ा फोर्स देके नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया बुक्स ऑन एंड टेबल, इसके ऊपर कैसे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मिटा देते हूँ। अभी और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो वी आर वॉकिंग, चलिए मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन, वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग, वी प्रेस द ग्राउंड, वी प्रेस द ग्राउंड, वी प्रेस द ग्राउंड विथ आवर फीट स्लाइटली, विथ आवर फीट स्लाइटली, विथ आवर फीट स्लाइटली स्लैंटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, slanted in the backward direction, in the backward direction, why, क्यों? जब हम लोग पैदल चलते हैं, पैदल तो चला ही होगा, जब हम लोग ऐसे पैदल चलते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, बैक डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं, चलो क्यों करते हैं। मान लो हम लोग ऐसे चला है तो इस डायरेक्शन पे जब हम लोग फोर्स अप्लीकेबल करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन पे अप्लीकेबल होता है, और इस डायरेक्शन पे मान लो आर होने से ये हो गया हम लोग का थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट पे डिवाइड करने से। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी जो इसका आंसर है वो देखो, द ग्राउंड एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अर्थ, द ग्राउंड एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट, द ग्राउंड एग्जर्ट्स एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, द पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन बैलेंस आवर वेट। द पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द रिएक्शन बैलेंसेस आवर वेट, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द हॉरिजॉन्टल component and the horizontal component enables us to move forward, enables us to move forward। ठीक है,
समझ में आएगा। इस डायरेक्शन पे हम लोग फोर्स अप्लाई करने से, मतलब पैदल चलने के टाइम पे जब हम लोग ऐसे पैदल चलते हैं तो इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करने से जो फोर्स होता है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है, हम लोगों को आगे की तरफ जाने के लिए हेल्प करता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, हम लोगों का वेट को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का वेट भी इक्विलिब्रियम में रहता है और हम लोग ऐसे आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जांपल नंबर 3। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड और सैंड, स्लिपरी ग्राउंड और सैंड, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक स्लिपरी डाउन और सैंड, व्हाई, मतलब हम लोगों को जब स्लिप ग्राउंड जो स्लिप करता है, जैसे मान लो बारिश के बाद कोई भी ग्राउंड या कोई भी रोड हो वो ज्यादातर स्लिपरी होता है, तो वो सब स्लिपरी ग्राउंड और सैंड के ऊपर से जब हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है, मतलब डिफिकल्ट क्यों होता है वो सैंड के ऊपर से और स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर से चलना, क्योंकि हम लोग जब मतलब स्लिपरी ग्राउंड और सैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस सैंड और स्लिपरी ग्राउंड जो हम लोगों के ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं वो नेसेस मतलब वो सफिशियंट नहीं हम लोगों को वेट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए और स्टेबल रखने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं गिर जाते हैं या कभी कभी क्या होता है हम लोगों का जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम से बिगड़ जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, कॉपी कर लो, दिस इज बिकॉज वी आर अनेबल टू पुश, दिस is because we are unable to push, this is because we are unable to push such a ground sufficiently high, such a ground sufficiently हाँ, ठीक है, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज नॉट, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ रिएक्शन, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज नॉट सफिशियंट टू हेल्प अस मूव फॉरवर्ड, इज नॉट सफिशियंट, is not sufficient to help us, is not sufficient to help us move forward, move forward। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक, इट इज डिफिकल्ट to drive a nail, it is difficult to drive a nail into a wooden block, into a wooden block without supporting it, without supporting it, why it is difficult to drive a nail into a wooden block, मान लो यहाँ पर एक wooden block रखा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग जब
पिन मतलब ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो ये डिफिकल्ट क्यों होते हैं, क्योंकि पिन जो है वो स्लिप कर जाता है और हम लोगों को मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्यूरेटली नहीं मिलता है, तो क्या होता है हम लोगों को तकलीफ होता है जो नेल को मतलब इसके अंदर ड्राइव करना। ठीक है, चलो व्हेन वी हिट द नेल विथ अ हैमर, व्हेन वी हिट द नेल, व्हेन वी हिट द नेल विथ ए हैमर, when we hit the nail with a hammer, the nail and unsupported block, the nail and unsupported, the nail and unsupported block, the nail and unsupported block together move forward as a single system, together move forward as a single system. ठीक है, there is no reaction when the block is rested against a support. There is no reaction when the block is rested, when the block is rested, when the block is rested against a support, against a support. ठीक है, the reaction of the support holds the block in position, the reaction of the support, the reaction of the support, the reaction of the support holds the block, reaction of the support holds the block in position and the nail is driven into the wooden block. Holds the block in position and the nail is driven and the nail is driven into the wooden block, into the wooden block. ठीक है, when we hit the nail, मान लो ये एक wooden block है, इसके ऊपर एक nail है, जब हम लोग इसको hammer से मारते हैं, the unsupported block together move forward as a single system. ये क्या करेगा, ये पूरा फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ निकल जाएगा, पूरा सिंगल सिस्टम. ओके, देयर इज नो रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज रेस्टेड अगेंस्ट अ सपोर्ट, द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट होल्ड्स द ब्लॉक इन पोजीशन. मतलब ये ब्लॉक का जो सर्फिस के ऊपर रखा हुआ है, इसका रिएक्शन अगर सफिशियंट नहीं होता है इसको यहां पर पकड़ के रखने के लिए, तो क्या करेगा, ये स्लिप कर जाएगा. तो अगर इसका रिएक्शन मतलब सपोर्टेबल होता है, मतलब एफिशिएंट होता है इसको पकड़ के रखने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेल को इजीली ऐसे ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आए तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5. ये सब थ्योरी बेस्ड डेरिवेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद में. Question 5. While swimming, a person pushes water with his hand.
ए पर्सन पुशेस वाटर विथ हिज हैंड्स ए पर्सन पुशेस वाटर विथ हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक वाई और हाई न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल अच्छा पर्सन पुशेस वाटर विथ हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन जब कोई स्विमिंग करता है तब ये क्या करता है बैकवर्ड डायरेक्शन पे मतलब फोर्स अप्लाई करता है विथ बैकवर्ड डायरेक्शन पे वाटर के ऊपर वाटर में पुश करते हैं तो क्या होता है वाटर का जो रिएक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स उस इंसान को और उस आदमी को आगे की तरफ मतलब सामने की तरफ लेके जाता है ठीक है तो वाटर इन टर्न पुशेस वाटर भी पुश करते हैं हिम फॉरवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ रिएक्शन पुशेस हिम फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स रोटेटोरी लॉन स्प्रिंकलर ये क्या चीज है व्हाट इज रोटेटोरी लॉन स्प्रिंकलर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है ये कुछ ऐसा है ठीक है कुछ ऐसा है मान लो ये किसी पाइप के अंदर कनेक्ट है किसी पाइप मतलब ये वाटर पाइप है नंबर सा वाटर पाइप ये हो गया वाटर पाइप जहां से वाटर जाता है ठीक है तो वाटर यहां पर जाके इस सर्कल में फैल जाता है फिर यहां पर छोटा छोटा करके होल्स मान लो होल से या इसका रोड है वाटर पास करने का ठीक है तो क्या होगा ये वाटर इन चारों जो सिलेंडर है या चारों जो मतलब स्विच है उसके सामने चला जाएगा तो वाटर जब यहां से निकलेगा तब तो क्या होगा रिएक्शन के थ्रू पीछे की तरफ धक्का देगा फिर यहां से निकलने के लिए पीछे की तरफ धक्का देगा यहां से निकलने के लिए पीछे की तरफ धक्का देगा यहां से निकलने के लिए पीछे की तरफ धक्का देगा तो रिएक्शन के थ्रू से ये जो कॉइल है या फिर ये जो मतलब स्प्रिंकलर है ये रोटेट करने लगेगा ठीक है मतलब ये हम लोग यहां से मतलब वाटर सप्लाई करने से ये जो है ये अपने आप रोटेट करने लगेगा जितना टाइम से हम लोग इस पे वाटर सप्लाई करेंगे ये उतना टाइम रोटेट करते ही रहेगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है यहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए सिर्फ वाटर यहाँ पर वाटर के प्रेशर की वजह से ये रोटेट करने लगेगा तो ये कहाँ पर यूज करते हैं मान लो कोई बड़ा सा फील्ड है जहां पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर जो जब हम लोग वाटर मतलब सप्लाई करते हैं तो जनरली क्या मतलब नेसेसरी होता है कि वाटर पूरे फील्ड पे अच्छी तरह से फैल के पड़े या अच्छी तरह से मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसा नहीं है कि ड्रेन करके दे दिया यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वाटर है वहां पर थोड़ा ज्यादा कम वाटर है यूनिफॉर्मली बारिश की तरह
पढ़ने से जो खेती जो है वो अच्छा होता है। तो ऐसा वाला मशीन या ऐसा वाला स्प्रिंकलर यूज करने से जो है वो पूरा सर्कुलर वे में ऐसे बारिश की तरह गिरेगा, जो तो हम लोगों का जो वाटर सप्लाई है वो अच्छे तरह से होगा। फिर भी मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। द एक्शन ऑफ ए रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंकलर, द एक्शन ऑफ ए रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर, द एक्शन ऑफ ए रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। As water issues out the nozzle, as water issues out of the nozzle, out of the nozzle, इसको बोलते हैं नोजल। जब नोजल से आउट होता है, इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, कॉजिंग द स्प्रिंकलर टू रोटेट, कॉजिंग द स्प्रिंकलर टू रोटेट, ठीक, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दस वाटर इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर लिख सकते हो दास वाटर इन स्कैटर्ड, वाटर इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, वाटर जो है ये पूरी तरह सब डायरेक्शन पर फैल जाता है। ठीक है, व्हाट इज रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंकलर, द एक्शन ऑफ रोटेटरी लॉन्ग स्प्रिंकलर इज बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज वाटर इश्यूज आउट ऑफ द नोजल, जब वाटर इस नोजल से आउट होने लगता है तब क्या होता है, इट एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन पे देता है, कॉजिंग द स्प्रिंकलर रोटेट, तब क्या होता है स्प्रिंकलर जो है रोटेट करने लगता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दस वाटर इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, तब क्या होता है वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली स्कैटर मतलब चारों तरफ फैलने लगता है। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। अभी एक छोटा वाला डेरिवेशन करेंगे, ये बहुत मजे का चीज है कि हम सब लोगों ने तो देखा है घोड़े का घड़ी टीवी में या अभी भी कहीं कहीं पर मिलता है, जो हॉर्स का है मतलब घोड़े का गाड़ी वो कैसे चलता है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि घोड़ा जो है वो गाड़ी को कैसे लेके सामने की तरफ जाता है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इज ए हॉर्स एबल टू पुल ए कार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इज ए हॉर्स, इज ए हॉर्स एबल टू पुल ए कार्ट,
एविल टू पुल ए कार्ट। हॉर्स जो है वो कैसे एक कार्ट को पुल करने के लिए एविल होता है वो एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो मान लो ये हो गया हम लोगों का सरफेस ऑफ आर्क या रूट, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रूट, ठीक है। तो यहां पर एक कार्ट मान लो, एक गाड़ी, ये हो गया एक गाड़ी, ठीक है, ये हो गया एक गाड़ी, ये हो गया हम लोगों का हॉर्स, ठीक है, ये हो गया गाड़ी, ये हो गया हम लोगों का हॉर्स। तो हॉर्स जो है वो पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो इसका रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन पर। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कंपोनेंट में तो ऐसा आ जाएगा। तो रिएक्शन का नाम देते हैं आर, उसने रोड पे जो फोर्स अप्लाई किया उसको नाम देते हैं एफ, और इसको नाम देते हैं कार्ट का टेंशन, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रोड के अंदर इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ काम करेगा, और ये भी पीछे की तरफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका वेट जो है डब्ल्यू भी, ठीक है, और सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एस। चलो ठीक है, अभी सारा लिख लिया है। चलो ठीक है, द रिएक्शन आर हैज टू रेक्टेंगुलर कंप्लीट, ठीक है, जो आर है हम लोग का रिएक्शन जो घुरे के ऊपर ग्राउंड में ग्राउंड या रोड ने दिया है रिएक्शन फोर्स घुरे के ऊपर, उसका दो कंपोनेंट है, ये हो गया हम लोगों का कार्ट, इनिशियली थोड़ा थ्योरी लिख लो, इनिशियली द हॉर्स, इनिशियली द हॉर्स presses the ground with a force, presses the ground with a force, initially the horse presses the ground with a force F in an inclined direction, okay? In an inclined direction. The reaction R of the ground acts on the horse. जो रिएक्शन होता है वो हॉर्स के ऊपर काम करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. The reaction R of the ground acts on the horse in the ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ग्राउंड का रिएक्शन होता है वो हॉर्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है। द रिएक्शन आर हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द रिएक्शन आर हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिएक्शन का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया ये वर्टिकल हो गया, ठीक है, कौन सा वन नंबर, द वर्टिकल कंपोनेंट वी विच बैलेंस द वेट डब्ल्यू ऑफ द हॉर्स, द वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट वी विच बैलेंस
the which balance the weight W of the horse. Weight W of the horse. ये normal reaction का जो vertical component होता है वो क्या करता है, वो horse का weight को balance करता है. और second जो है horizontal component. The horizontal component H which helps the horse to move forward. The horizontal component, the horizontal component H which helps the horse to move, which helps the horse to move forward. ठीक है, जो horizontal component होता है H, ये सामने की तरफ जाने के लिए horse को help करता है. और जो vertical component होता है भी, वो weight को balance करता है. Let F be the force of friction. Let F be the force of friction. जो हम लोगों ने यहाँ पर F पकड़ा है वो फ्रिक्शनल फोर्स F है. ठीक है, कॉपी कर लो. अभी देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, अभी वीडियो पॉज करके कॉपी कर लूंगा. अभी देखो हॉर्स सामने की तरफ कब जाएगा, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एच होता है वो कार्ट के टेंशन टी से ज्यादा होगा. व्हेन एच इज ग्रेटर देन टी हॉर्स विल मूव फॉरवर्ड. अगर टी ज्यादा होगा मतलब कार्ट का टेंशन ज्यादा होगा तो क्या करेगा, हॉर्स जो है वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि कार्ट के टेंशन की वजह से वो सामने की तरफ जा नहीं पाएगा. लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है एज जो है वो ज्यादा होने से वो आगे की तरफ जाएगा. तो द फोर्स मूव्स फॉरवर्ड द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड इफ एच ग्रेटर देन टी. ये थोड़ा लिख लो. इन दैट केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स. In that case, net force acting on the horse. इस सिचुएशन पे हॉर्स के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, एच इस तरफ टी इस तरफ, तो सिर्फ एच माइनस टी. ये ज्यादा है इसलिए इस तरफ जा रहा है, तो उसका नेट फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, मतलब एच माइनस टी. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स इज इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स इज ए and mass m, then h minus t equal to m. h minus t equal to m, ये तो हमको पता है, क्योंकि h minus t मतलब इस डायरेक्शन पे फोर्स. तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने कर लिया, और मास यहां पर m क्या पकड़े हम लोगों ने, हॉर्स का मास. तो इस डायरेक्शन पे अगर एक्सेलरेशन ए होता है तो एफ इक्वल टू एम ए. अप्लाई करने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स ही होगा इक्वल टू एम. अच्छा, तो कार्ट आगे की तरफ कब जाएगा, घोड़ा तो आगे की तरफ जाएगा एज ग्रेटर देन टी होने से. तो कार्ट आगे की तरफ कब जाएगा, जब टी ग्रेटर देन एफ होगा. फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अगर टी होता है
तो ये कार्ड आगे की तरफ जाएगा, नहीं तो एक्सटर्नल पुल ज्यादा होने से कार्ड को खींच के रख देगा, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड इफ द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड इफ टी ग्रेटर देन एफ, कार्ड फॉरवर्ड जाएगा जब टी ग्रेटर देन एफ होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ड, कार्ड के नेट फोर्स क्या होगा, टी माइनस एफ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ड इक्वल टू टी माइनस एफ। ठीक है, अभी फिर से न्यूटन का फॉर्मूला लगा दो। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द कार्ड इज ऑल्सो ए, क्योंकि एक घोड़ा और एक कार कनेक्टेड है, तो घोड़ा का जो एक्सेलरेशन होगा वो कार्ड का भी होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड इज ऑल्सो ए एंड इफ मास ऑफ द कार्ड इज कैपिटल एम, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल एम इसका मास पकड़ा है घोड़े का, देन फिर से क्या होगा टी माइनस एफ इक्वल टू एम, इसको दो नंबर दे दो। अभी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू प्लस करके ए का रिलेशन ए इक्वल टू क्या आता है देखो, तो खत्म हो जाएगा हम लोगों का डिरेवेशन। अभी देखते हैं इक्वेशन वन एंड टू प्लस करने से क्या होता है। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, क्या मिलते हैं हम लोगों को, एच माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एफ इक्वल टू एम, प्लस करने से टी टी कैंसिल हो जाएगा, एच माइनस एफ इक्वल टू एम प्लस एम। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एच माइनस एफ बाई एम प्लस एम, ये हो गया हम लोगों का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही है हम लोगों का घोड़े का या कार्ड का एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ए इक्वल टू एच माइनस एफ बाई एम प्लस एम। ठीक है, चलो ठीक है, मिटा देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो मैं आज करा देता हूं, एक तो ये कार्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दो है, दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कॉन्टेन इन द सेकंड, शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आर कॉन्टेन्ड इन द सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ आर कॉन्टेन्ड इन द सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ के अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ इक्वल टू एम, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम, अगर फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है तो एम ए इक्वल टू जीरो होगा, फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, तो एम ए इक्वल टू जीरो होने से ए इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने से जो जहां पर है वहां पर ही रहेगा, मतलब जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, और जो यूनिफॉर्म स्पीड पे स्पीड से जा रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही जाएगा, क्योंकि इस पे भी एक्सेलरेशन नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि न्यूटन का जो सेकंड या सेकंड लॉ है वो है एफ इक्वल टू एम,
तो अगर हम लोगों ने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया हो तो एफ इक्वल टू जीरो होगा। एफ इक्वल टू जीरो माने एम ए इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू जीरो होने से कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन काम नहीं करने से जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा और जो यूनिफॉर्म मोशन पे है वो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगा। मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। अब वही होता, वही है हम लोगों का न्यूटन का फास्ट लॉ। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय F equal to ma. In the absence of any external force, in the absence of any external force, जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स एफ इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एम ए इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। दस देयर इज नो एक्सेलरेशन व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, दस देयर इज नो एक्सेलरेशन, there is no acceleration when there is no force applicable, thus there is no acceleration if there is no force applicable or applied, that is in the absence of any external force, that is in the absence of, that is in the absence of any external force, any external force, a body at rest will remain at rest, a body will rest, remain at rest, a body will rest, remain at rest, and a body in uniform motion, and a body in uniform motion, a body in uniform motion will continue to move uniformly, will continue to move uniformly, to move uniformly along the same straight path, along the same straight path. ठीक है, this is nothing but first law of motion, this is nothing but, this is nothing but first law of motion. ठीक है, तो यहां पर अगर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा तो जो देयर इज नो एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज नो फोर्स एप्लीकेबल, तो जो मतलब रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा और जो यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन पे ही चलता रहेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा वो रेस्ट पे रहेगा और जो
यूनिफॉर्म मोशन पे चल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन पे ही चलेगा। वही होता है हम लोगों का जो फास्ट लॉ, मतलब न्यूटन का फास्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा।